पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि G20 की अध्यक्षता हर देश को एक साल के बाद एक रोटेशन प्रिंसिपल के आधार पर मिलती रह जाएगी, यानी हर एक देश इस G20 में एक साल के लिए अध्यक्ष बनेगा। ये स्वाभाविक है इस संस्था में, ना कि इसके पीछे आपकी अंदरूनी देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर आधारित नहीं है। लेकिन आज हमारी सरकार देश में इसको एक देश के अंदर एक राजनीतिक अभियान के रूप में इसको जो है लागू करने के प्रयास में है। प्रधानमंत्री ने खुद वासुदेव कुटुंबकम का नारा देते हुए कहा कि एक पृथ्वी मंडल, एक परिवार और एक भविष्य के लिए भारत काम करेगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब यह है कि विविधताएं जितने हैं उन सभी विविधताओं को बराबर की हक मिलेगी इज्जत के साथ। और जब तक ये काम देश के अंदर नहीं होगा आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में, तब तक इस नारे एक खोखला ही रह जाएगी। आज हालत जो देश के अंदर है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, एक नफरत और हिंसा के आधार पर एक अभियान जो चलाया जा रहा है जिससे लोगों के बीच में बराबरी और समानता के जगह पर असमानता और नफरत की वातावरण जो है पैदा की कर चुके हैं और ये बढ़ते जा रहा है। आर्थिक पैमाने पर हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, मंदी की हालत आज पहुंच चुकी है, बेरोजगारी एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, देश के अंदर भूखमरी और गरीबी बढ़ रही है। और इस हालात में जब बराबर के अधिकार और न्याय दिलाना चाहते हो आर्थिक क्षेत्र में, वो अगर देश के अंदर हम नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया को क्या सबक सिखाने जा रहे हैं। यानी आर्थिक क्षेत्र में राजनीतिक जनवादी अधिकारों के ऊपर जिसको कुचला जा रहा है आज, जो भी सरकार के विरोध में बोलेगा उसको आप देशद्रोही करके जेल में गिरफ्तार कर लो। अब ये वातावरण जब तक देश के अंदर नहीं बदलेगी, इस नारे का जो प्रधानमंत्री ने दिया उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो आज अगर देश को बेहतर बनाना जरूरी है, पहले वासुदेव कुटुंबकम का मतलब उसकी सारांश को समझना है, तो सबको हमारे देश के अंदर सब नागरिकों को बराबर के अधिकार हो, इज्जत के साथ वो जिंदा रहे और उनके लिए उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को अपनी काम करनी होगी।